अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्न प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। टुडे स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 8। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बारे में। जो लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमने देखा था कि बटन क्या होता है, बटन के कितने टाइप्स हैं। हमने सिंपल बटन और इमेज बटन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेडियो बटन क्या होता है और चेक बॉक्स क्या होते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स फोन एंड टैबलेट पे क्लिक करना है और देन आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करना है। एज अ बिगिनर हम इसको ही चूज करेंगे, इसी एक्टिविटी पे काम करेंगे। आपने एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पे नेम रखना है, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स ट्यूटोरियल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी ऐप का नेम रख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पैकेज नेम डिफाइन करना है। पैकेज नेम आप अभी अगर इस तरह भी रहने दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे तो आपका पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए दूसरी ऐप से। स्टूडेंट्स, अगर आप चेंज करना चाहते हैं पैकेज नेम, तो कॉम डॉट आपने ऐसे रहने देना। इसके बाद आपने यहाँ पे पैकेज नेम को चेंज कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है कि आपने ये अपनी एप्लीकेशन किस जगह पे सेव करवानी है। ये आपकी मर्जी है कि आप किस जगह पे इसको सेव करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने इसको किस ड्राइव में आपने जाना है वो ड्राइव सिलेक्ट करनी है, देन आपने फोल्डर सिलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। हम जावा कर रहे हैं तो जावा के लिए आपने यहाँ पे जावा को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने मिनिमम एसडीके चूज करना है। जितना आपका मिनिमम एसडीके होगा, उतने ही डिवाइसेस पे आपके जो ऐप है या जो प्रोजेक्ट है वो रन हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 25 यहाँ पे चूज करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 90.4% ऑफ डिवाइसेस, कि मेरे ये जो प्रोजेक्ट जो ऐप मैं बनाने लगी हूँ ये 90.4% डिवाइसेस पे रन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने वो एसडीके लेना है जो कि आपके मैक्सिमम डिवाइसेस पे रन हो सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 22 लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 22 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगी 98.4। अब स्टूडेंट्स आपने ये काम करने के बाद यहाँ पे फिनिश करना है, तो सिंपल आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे नीचे यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे, यहाँ नीचे हमारे जो ग्रेडेंस है वो बिल्ड होंगे, मीन हमारे जो फाइल्स हैं, जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे लोड होंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो स्टूडेंट्स हम वेट करते हैं थोड़ी देर। स्टूडेंट्स, तब तक हम ये पढ़ लेते हैं कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स होता है। जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कोर्स के स्टार्ट में कि हम थ्योरी का बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमने जस्ट इस कोर्स को प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली आप किस तरह एक ऐप बना सकते हैं, आपकी खुद की एक ऐप कैसे आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट या अपनी ऐप पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि रेडियो बटन क्या होगा। रेडियो बटन मोस्टली आप सबने देखा ही होगा, सर्कल शेप में होता है, छोटा सा होता है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या होता है, रेडियो बटन हमारे पास एक ऐसा विजेट होता है बाय डिफॉल्ट, का मतलब ये होता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से मौजूद होता है। ये ऐसा विजेट होता है जो एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से मौजूद होता है। ये क्या करता है, यूजर को इजाजत देता है, परमिशन देता है, अलो करता है कि वो एक टाइम पर एक ही जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसमें क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको क्या रेकमेंडेड किया जाता है कि आपने सिर्फ एक ऑप्शन, मीन आपने एक सर्कल को फिलअप करना है। अगर आप एक से ज्यादा सर्कल को फिलअप करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह रेडियो बटन क्या करता है, अगर आपके पास बहुत सारे रेडियो बटन है, बहुत सारे च्वाइसिस है, तो आपको क्या करते हैं, सिर्फ एक एक टाइम पे आप एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर जेंडर वाले हम रेडियो बटन की बात करें, जैसे स्टूडेंट्स जो जेंडर की मैं आपको बता रही हूँ बात, किसमें क्या होता है कि अगर कोई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वहां पे जेंडर वाला जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, आपको दो रेडियो बटन दिए जाते हैं। एक रेडियो बटन होता है फीमेल का और एक होता है मेल का।
तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जो आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप उसी वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं। आप एक टाइम पर दोनों रेडियो बटन को सिलेक्ट नहीं करते। होप सो आपको रेडियो बटन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि रेडियो बटन को हम कैसे यूज करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट विजेट है एंड्रॉइड स्टूडियो में, लेकिन ये क्या होता है, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो एक टाइम पर एक से ज्यादा चेक बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकता है। अनलाइक रेडियो बटन, रेडियो बटन में हमने देखा था एक टाइम पर हम एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्स में क्या होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, तो आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को एक टाइम पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर आपसे हॉबीज, अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें हॉबीज का अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी हॉबीज ये वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा हॉबीज को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्रेडल है वो बिल्ड हो चुके हैं। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल है और ये हमारे पास एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल है। एक्सएमएल आपको पता है फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं और जो जावा है वो हम बैक एंड के लिए यूज करते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स जो है हम सिर्फ एक्सएमएल पे काम कर रहे हैं कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको देख रहे हैं। अभी हमने डिजाइनिंग नहीं सीखी, अभी जस्ट मैं आपको विजेट्स बता रही हूँ, कुछ टूल्स बता रही हूँ जिनका आप इस्तेमाल करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और देन आप उसकी जो बैकएंड पे उसकी कोडिंग होगी वो भी आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्टूडेंट्स हम आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारे पास रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस जो टॉपिक है उस पे है। तो आपने क्या करना है, हम कर रहे हैं लीनियर लेआउट, आपने बाय डिफॉल्ट ये जो लेआउट है आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे आपने लीनियर लेआउट लिखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियर लेआउट आपने सेलेक्ट करना है। लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि ये जो लेआउट है ये एक डायरेक्शन में काम करती है, या तो वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वो वर्टिकल। तो आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी, ओरिएंटेशन किया, यहाँ पे वर्टिकल आपने इसको सेट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को आपने रिमूव कर देना है। अब आप यहाँ पे जो है विजेट यूज करेंगे, जो टैग आप यूज करेंगे वो रेडियो बटन का होगा। आपने यहाँ पे रेडियो बटन यूज करना है और इसकी विड्थ और हाइट आपने मेंशन कर देनी है। मैं जो इसकी विड्थ है वो मैच रख रही हूँ, उसकी हाइट रैप रख रही हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे मैंने रेडियो बटन का टैग यूज किया यहाँ पे मेरे पास सर्कल शो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कि आप रेडियो बटन के आगे आप कौन सा टेक्स्ट लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फीमेल। अब स्टूडेंट्स ये आपने कर लेना है। अब आपने क्या करना है, मार्जिन लेना है। मार्जिन आपको पता है मार्जिन की प्रॉपर्टी आपने इसलिए यूज करते हैं एक्सटर्नली स्पेस लेने के लिए। आप यहाँ पे 30 dB दे दें मार्जिन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेआउट ग्रेविटी या ये वाली ग्रेविटी, और उसको आपने सेंटर में कर देना है। अब स्टूडेंट जैसे आप सेंटर में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा, लेकिन जो रेडियो बटन है वो उसी साइड में रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो हम कर देते हैं रैप। क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो कंप्लीट है वो हमारा सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में करने के लिए अब आपने, जब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो विड्थ है वो भी रैप रख लेनी है, तो आपने फिर लेआउट ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ पे आपने इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो आपका क्या होगा, सेंटर में हो जाएगा। अब अगर आपने टेक्स्ट को इंक्रीज करना है, उसका साइज जो बढ़ाना है, तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करनी है, 22 SPF आप साइज रखते हैं। अब इसको अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आपने स्टाइल की प्रॉपर्टी को यूज करना है, टेक्स्ट स्टाइल की बोल्ड कर दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने आईडी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहाँ पे आपने आईडी लास्ट भी देनी है। मैंने आपको बताया था बैकएंड पे हम इन विजेट्स को कैसे असेस करते हैं विद आईडीज, तो अगर आप आईडी देंगे तो आप इनको असेस कर सकते हैं। हर विजेट की जो आईडी है वो यूनिक होती है, तो इसलिए आप इसको आईडी दे देनी है। अब आप इस टैग को बंद कर देने हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसकी बहुत सारी जो है एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जितनी मैं प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ आपने उतनी ही करनी है। अगर आप मजीद इसमें ऐड करना चाहते हो इसकी प्रॉपर्टीज तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और रेडियो बटन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेडियो बटन टैग यूज किया, इसकी जो विड्थ है वो हमने रैप रखी है और उसकी हाइट भी रैप रखी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने आईडी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू देनी है, आईडी जो देनी है पास करनी है वो आप यूनिक देनी है।
अब स्टूडेंट सेकंड बात ये है कि अब यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स है जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज किए हैं वो मार्जिन की है, टेक्स्ट की पहले की है, फिर ग्रेविटी की है, आईडी मैंने सबसे लास्ट पे दी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप आईडी फर्स्ट पे दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये कोई इशू नहीं होगा, आप कहीं भी किसी भी जगह पे ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपने टैग के अंदर ही यूज करनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करें, यहाँ पे आप लिखते मेल, और स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट साइज आपने प्रॉपर्टी यूज करनी, इसका साइज जो आपने इंक्रीज करना है। पहले हम इस टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है और इसके आपने रख देना है इसका जो साइज है 22 SP। अब स्टूडेंट्स आपने लेआउट ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टैग को बंद कर देना है। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे सीख लिया कि दो रेडियो बटन हम कैसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि चेक बॉक्सेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक बॉक्सेस लेना है, चेक बॉक्स लिखना है, टैग इसकी आपने मैच रख देनी है या रैप जो भी आपके अकॉर्डिंग है। फिलहाल स्टूडेंट्स आप इसको रैप ही रहने दें, मतलब जिसका जितना आपका टेक्स्ट है उतना ही उसकी जो विड्थ है वो कवर हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फिर रैप दे देनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मार्जिन सेट करना है, मार्जिन एक्सटर्नल स्पेस के लिए आप यूज करते हैं 20 dp दे दें, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे देना है। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट में क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते गार्डनिंग। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने इसको सेंटर इन, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आपने इसको सेंटर में ही रखना है, अगर आप साइड पे भी रखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, हम इसको साइड पे रहने देते हैं इन चेक बॉक्सेस को। अगर आप सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है लेआउट ग्रेविटी वाली, और उसकी जो वैल्यू आपने पास करनी है वो सेंटर हॉरिजॉन्टल रखनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने जो टेक्स्ट का साइज है वो आपने इंक्रीज कर देना है, 20 SP रख देते हैं। अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट स्टाइल मीन आपने इसको बोल्ड करना है, जैसे आप MS वर्ड में करते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी थिंग। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने इसको आईडी देनी है, आईडी आपने यूनिक देनी है, चेकबॉक्स 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एक चेक बॉक्स है वो हमारे पास बन चुका है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करें, दूसरा चेक बॉक्स बनाएं और तीसरा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ के नेक्स्ट लाइन पे आके इसको पेस्ट कर दिया है। अब जैसे स्टूडेंट्स पेस्ट किया है तो आपको मैंने पहले भी बताया था आईडी में इशू आएगा, क्योंकि हर जो विजेट है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी आईडी जो नीक होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेकेंड वाले पे आप लिखते हैं रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे आप चेक बॉक्स की जो आईडी है वो चेंज कर दे 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरर है वो रिमूव हो चुका है और हमारे पास सेकंड जो चेक बॉक्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिर पेस्ट कर दे और यहाँ पे आप इसकी जो आईडी है वो चेंज कर दे, और यहाँ पे गार्डनिंग की बजाय यहाँ पे हम लिख देते हैं बेकिंग। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमने जो चेक बॉक्सेस यूज किए हैं इसके जो सिंबल्स है वो आप देख सकते हैं डिब्बे की तरह होते हैं, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका टिक लग जाता है, ये आपका चेक बॉक्स होता है। लेकिन ये जो सर्कल में होते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सर्कल जो होता है ये फिल अप हो जाता है, मीन आपका फिल हो जाता है किसी कलर से, तो ये आपके पास रेडियो बटन होते हैं। रेडियो बटन आप एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्सेस आप एक टाइम पर मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप इस कोड की समझ लग गई होगी। अभी आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ कि कौन कौन से विजेट्स आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में आपकी डिजाइनिंग में। जैसे स्टूडेंट्स आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग में आपको इन तमाम जो विजेट्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपने यहाँ पे आपको कोड पता होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये काम करने के बाद आपने यहाँ पे रन करना है। अब जब हम करेंगे तो हमारे क्रेडिट्स बिल्ड होंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वर्चुअल डिवाइस हमने यहाँ पे रन कर लिया है इम्यूलेटर पे। अब हमारे पास जो ऐप का नेम है वो है यहाँ पे रेडियो बटन। अब आपने इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इंटरफेस यहाँ पे बनाया था आपको ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट फीमेल की और मेल की, ये आपके देख सकते हैं ये सेंटर में हमने की है, इसलिए बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है, मीन
आपका जो हाँ फीमेल और मेल जो रेडियो बटन है, इसमें हमने यूज की थी प्रॉपर्टी लेआउट ग्रेविटी, तो ये सेंटर में कर रहा है, लेकिन फीमेल के जो लेटर्स हैं वो ज्यादा है, वो उस हिसाब से इसको सेंटर में कर रहा है, लेकिन मेल के जो लेटर्स हैं वो कम है फीमेल से, तो वो इस हिसाब से इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन चेक बॉक्सेस है। स्टूडेंट्स अभी हम जस्ट मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि अभी अगर हम रेडियो बटन दो भी सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास जो जो है एरर या फिर इस तरह का कोई इश्यू नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसके बिहाइंड इन रेडियो बटन या इन चेक बॉक्सेस के बिहाइंड हमने अभी कोडिंग नहीं की। जब हम कोडिंग करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम पर यूजर एक ही जो है रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकता है। लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलअप हो गया है मेरा जो रेडियो बटन है। इसी तरह जब मैं चेक बॉक्सेस की तरफ चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करूंगी तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे टिक लग जाएगा, मीन ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहाँ पे जो हमने पढ़ा था आज के लेक्चर में कि रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के बारे में। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।